So yes, all of you listen to the story attentively now. Yesterday we had left the story ki there is a boy named Mahinder who is a supervisor and he has a transferable job. He gets transferred every now and then and he is a bachelor and he is a one who can live in any conditions, hai na? He does not need anything more. One asset which he has is Ishwaran, who cooks for him, washes his clothes, cleans his room and does all odd activities for him. Ishwaran has a one unique quality that he can produce any vegetables, all sorts of ingredients what he wants for cooking from nowhere, hai na? Plus he is a very good story teller, hai na? And in this way he starts with the story about his when he was in junior, how an elephant came to their school and how it was Ishwaran, hai na, who brought that elephant to collide down on the earth. So how, what happened, and at that moment he leaves the story in between. So ab aage kya hota hai, that we will read in this chapter. Now अब ऑथर क्या कह रहा है कि जहाँ पे कि वो जो उसने उसके टोनेल पे मारा है और वो कलैप्स होकर गिर गया है, वहाँ पर ईश्वरन अपनी स्टोरी को छोड़ के चला जाता है कि मैं खाना गर्म कर लेता हूँ, मैं लाइट्स ऑन कर देता हूँ. एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर. महेंद्र, हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग. When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. Mahinder would have to remind him that the conclusion was pending. अब जब वो अपने काम करके आता, अब महेंद्र बेचारा इतना एक्साइटेडली वो स्टोरी सुन रहा होता है, वो बेचारा ऐसे लिंगर करता रहता है कि क्या हुआ होगा, कैसे उसको पता चल गया होगा या ऐसा. और ये ईश्वरन की क्या होता थी, वापस आके फिर वो डायरेक्ट उसको नहीं स्टार्ट करते था कि अच्छा मैं कहानी सुना रहा था, मैं वहाँ था. महेंद्र को उसको बात बताना पड़ता था कि तुम वहाँ थे और जो स्टोरी की कंक्लूजन है वो तो रह गई थी, तुमने उसको कंक्लूड तो किया ही नहीं कि क्या हुआ. वेल, अ वेटरनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल. ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली. टू डेज लेटर इट वॉज लेड अवे बाय अ मोहर टू द जंगल. और वो डॉक्टर, और वो क्या कहता है कि फिर एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया जो उस हाथी को वापस होश में लाया, और फिर दो दिन बाद एक जंगल से एक महोत को बुलाया जिस जो उस हाथी को वापस जंगल में छोड़कर आता है, ले जाता है. वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट. अब महेंद्र के अंदर बहुत सारे सवाल थे जो हम सब के अंदर है जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, कि ईश्वरन ने ऐसा क्या किया कि वो जो हाथी है वो कोलैप्स होकर वो गिर गया वहाँ पर, है ना, हम सब ये जानना चाहते हैं. Now he says it has something to do with Japanese art, I think, sir. Karate or jujitsu it is called. I had read about it somewhere. It temporarily paralyzes the nervous system, you see. और वो कह रहा है कि इसका जो लेना देना, जो मैंने उसके टो फिंगर को जो हर्ट किया था, इसका कराटे से कुछ लेना देना है, और उस पर मारने से एक बार की जो बॉडी है वो पैरालिसिस हो जाती है, और मैंने ये बात कहीं पर पढ़ी थी. Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. तो एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता था कि ईश्वरन कोई स्टोरी ना बताए, उस स्टोरी के अंदर हॉरर ना हो, सस्पेंस ना हो, एडवेंचर ना हो. Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of his inimitable way in which it was told. Ishwaran seemed to be more than make up for the absence of TV in Mahendra's living quarters. और वो जो भी स्टोरी सुनाता था वो अच्छी हो ना हो, महेंद्र को ईश्वरन के मुंह से कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो जिस वे से अपनी स्टोरी को प्रेजेंट करता था वो वे उसको बहुत अच्छा लगता था. और ईश्वरन किस चीज़ को कंपनसेट करता था, महेंद्र के पास टीवी नहीं था, और क्योंकि उसके पास ईश्वरन था उसको टीवी की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि जो ईश्वरन है वो उसका टीवी का काम भी फुलफिल करता था. One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, can I make something special for dinner tonight, sir? अब एक दिन जब महेंद्र सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा है तो ईश्वरन उसके पास आ रहा है और उसको पूछ रहा है कि सर क्या मैं आज आपके लिए डिनर में कुछ स्पेशल बनाऊँ. After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir. और साथ ही वो क्या बोल रहा है कि आज एक स्पेशल डे है और आज हम अपने एंसेस्टर्स जो हमारे पूर्वज जो मर चुके हैं, जो गुजर चुके हैं, उनकी आत्माओं को, उनकी स्पिरिट्स को, उनकी सोल्स को हम खाना खिलाते हैं, जैसे हम श्राद्ध वगैरह करते हैं, तो ऐसा कुछ.
That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Iswaran on his culinary skills. He seemed very pleased, but unexpectedly launched into the most garish account involving the supernatural. अब उस रात महेंद्र ने जो खाना खाया वो शायद उसने अब तक जो खाना खाया था उनमें सबसे टेस्टी था, और उसने बहुत तारीफ़ भी करी ईश्वरन की, ईश्वरन ने थैंक्स भी करा, लेकिन उसके बाद में जो हुआ वो बहुत अननेचुरल और सुपर नेचुरल चीज़ें हुई. यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ बरियल ग्राउंड. अब ईश्वरन क्या बता रहा है महेंद्र को कि आपको पता है अभी हम जहाँ रह रहे हैं और ये जो पूरी फैक्ट्री का ग्राउंड है ये कभी किसी टाइम पे क्या था, एक कब्रिस्तान था, यहाँ पे मुर्दाओं को गाड़ा जाता था. ही स्टार्टेड, महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील. और वो एकदम से चौंक के, है ना, इमेजिन करो कोई हमको कहे कि आपका घर कब्रिस्तान पे बना और वहाँ रह रहे हो, तो जो महेंद्र बेचारा इतना खुश हो रहा था इतना अच्छा वाला खाना खा के, एकदम से वो उठता और बोलता व्हाट, क्या क्या बोल रहे हो. I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones. Iswaran continued. और वो कह रहा है मेरे को तो पहले दिन जिस दिन अपन यहाँ आए थे उसी दिन समझ में आ गया था, क्योंकि जब मैं चल रहा था तो एक खोपड़ी स्केलेटन का सिर जो है मेरे पैरों में आ गया था, और अब तो अक्सर ऐसे होता रहता, मेरे पता नहीं कितने जो ऐसी खोपड़ी हैं वो मेरे पैरों में आती जाती रहती हैं. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. अब वो शुरू हो गया, अब वो कहानी बताने लग गया, वो अब उसकी तरफ से तो वो रियलिटी ही थी कि किस तरह से वो रात को कई बार उसने भूत देखे हैं, ghosts देखे हैं. I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. और साथ साथ में वो भी क्या कह रहा है कि मैं इनसे इतनी आसानी से डरने वाला नहीं हूँ, मैं एक बहुत ब्रेव बहादुर आदमी हूँ. But one horrible ghost of a woman which appears off on at midnight during a full moon. It is an ugly creature with matted hair and shriveled face, like a skeleton holding a fetus in its arm. वो कह रहा है मुझे और तो भूत से सारों भूतों से मैं मिल लेता हूँ, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन एक भूतनी है ना वो बहुत भयानक है. और वो कब आती है, जिस दिन पूर्णिमा होती है, पूरा चांद होता है उस रात को, वो आधी रात को आती है मिडनाइट को, और उसके एकदम ऐसे बिखरे हुए बाल हैं, है ना, और गंदा सा चेहरा है, और अपने हाथ में उसने एक फीटस, एक अधजन्मा बच्चे का स्केलेटन वो अपने हाथ में लेके रखती है. महेंद्र शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रैदर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन. अब महेंद्र ऑफकोर्स ऐसी बात सुन के, और रात के टाइम पे कोई भी ऐसी बात सुन के ऑफकोर्स डर जाएगा, तो वो भी डर जा रहा है, और अपन क्या बोलेंगे, तू पागल है कि क्या बातें कर रहे हो, मैं ईश्वरन तुम पागल हो गए हो क्या. देर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट ऑफ स्पिरिट्स. और जैसे कि हर आदमी कहता है वो भी यही बोल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भूत प्रेत कोई आत्मा वात्मा ये सब कुछ भी नहीं होता है. इट इज़ ऑल फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन. गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिंड और मे बी योर हेड एज वेल. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस. वो कह रहा है कि ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है, तुमको अपना पेट भी सही करवा लेना चाहिए, पेट भी दिखा के आओ और अपना दिमाग भी दिखा के आओ, ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है और तुम सिर्फ नॉनसेंस बातें करे जा रहे हो. He left the room and retired for the night. और वो वहाँ से उसको डांट के या थोड़ा सा गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है और अपने कमरे में चला जाता है. Expecting Iswaran to sulk for a couple of days, but next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. अब अगले दिन महेंद्र को कहीं ना कहीं लगा था क्योंकि उसने ईश्वरन को डांट दिया है तो कुछ दिन वो अपना मुंह सुजा के रखेगा, है ना, ऐसे गुस्से में रहेगा, लेकिन अगले दिन सुबह ईश्वरन अपने उसी जॉली मूड में था, वैसे ही बातें कर रहा था, वैसा ही चेयरफुल था. From that day on, Mahendra was all his brave talk went to bed with certain unease. अब उस दिन के बाद से जो महेंद्र है वो बातें तो बहुत बहादुरी की करता था, लेकिन जब वो बेड पे रात को सोने के लिए जाता था उस टाइम कहीं ना कहीं वो अनकम्फर्टेबल फील करता था, कहीं ना कहीं एक डर है जो उसे लगता था. Every night he peered out into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. और वो रोज़ रात को सोते वक्त अपनी खिड़की से एक बार बाहर ज़रूर देखता था और मतलब ये चाहता था ये कि बाहर कोई भी मूवमेंट ना हो रही हो दूर दूर तक जहाँ तक उसकी नज़र जा रही है. But he could only see a sea of darkness with twinkling lights of factory miles away. और उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता था, बस उसको दूर बहुत दूर जो है फैक्ट्री की जो लाइट्स है ना चमचमाती हुई वही दिखती थी और उसको उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता था.
वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो. अब एक दिन अचानक वो रात को उठा, जैसे कि उसके विंडो के पास आके कोई मून कर रहा है, कोई रो रहा है धीरे धीरे से, ऐसे उसको आवाज़ आ रही है. एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर अ माउस. स्टार्टिंग में उसको लगा कि कोई बिल्ली है जो शायद चूहे की तलाश के अंदर इधर उधर घूम रही होगी. बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट. लेकिन वो जो आवाज़ थी वो एक बिल्ली की नहीं हो सकती थी, वो बिल्ली को कहीं रिजेंबल नहीं कर रही थी. ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट. और उसने कोशिश करी कि वो ना देखे, उसने अपने आप को कंट्रोल किया, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसे देखा कि उसकी जो धड़कन है वही रुक गई. बट द वेलिंग बिकेम मोर, लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडोज सिल ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड. अब वो बहुत हिम्मत करके अपनी विंडो से मूनलाइट, मतलब ऑफकोर्स पूरी पूर्णिमा है, वो बाहर देखता है. देयर नॉट टू फार ब्रोक इन टू अ कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन हिज पिलो पैंटिंग बिगैन टू रीजन विद हिमसेल्फ. ही एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घैसली एक्सपीरियंस ही बिगैन टू रीजन फॉर हिमसेल्फ एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैज प्लेड ऑन हिम. अब वो अपनी खिड़की से बाहर देखता है और इतनी ठंड के अंदर भी अचानक उसकी पूरी बॉडी के अंदर पसीना आ जाता है और फटाक से वो अपने बेड पर आता है. थोड़ी देर बाद में वो कॉन्शियसनेस को रिवाइव करता है और फिर वो सोचता है कि उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसने ऐसा कुछ इमेजिन करा, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये ज़रूर उसकी इमेजिनेशन ही होगी. बट द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग हैड अ बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट. ठीक है, और उसके बाद में उसने अपने आप को समझा लिया कि उसने कुछ विजुअलाइज करा जो है नहीं एग्जैक्टली, और सुबह वो उठ के और ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है. द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड आउट फ्रॉम हिज मेमोरी. और कहीं ना कहीं वो जो डर है वो कम है ना, रात को सपने में हमें बहुत डर लगता है लेकिन जैसे जैसे सुबह होती है वो डर हमारा कम हो जाता. तो ऐसे ही ईश्वरन महेंद्र के साथ हुआ था, वो जो लॉस्ट हो गई थी उसकी वो मेमोरी. ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद अ लंच पैकेट एट हिज बैग. जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट ईश्वरन ग्रीन एंड सेड, सर रिमेंबर द अदर डे वेन आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट विद द फीटस इन इट्स आर्म. यू आर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स. वेल यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट. आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम. अब वो कह रहा है कि सर, जब उसको लंच का पैकेट बना पकड़ा रहा है तो कह रहा है कि उस दिन तो तुम मुझे डांट रहे थे, मुझे कह रहे थे कि इमेजिनेशन है, मैं इमेजिन करता हूँ, लेकिन कल रात को जब मुझे आपके कमरे में से उस रोने की आवाज़ आई तो मैं भाग के आया, अब तो विश्वास हो गया. अ चिल वेंट डाउन टू महेंद्र स्पाइन. ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कम्प्लीट हिज सेंटेंस. ही हरिड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे. और उसने ईश्वरन को उसकी बात भी कम्प्लीट नहीं करने दी और वो सीधा अपना ऑफिस गया और उसने वहाँ से रिज़ाइन दिया कि वो इस जगह को कल का कल ही छोड़ के जाए, एक दिन और भी वो उस जगह पर नहीं रुकेगा. सो दिस स्टोरी इज़ कम्प्लीट. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड एंड एंजॉयड द चैप्टर.